Hello dear students, once again welcome all to the YouTube channel of Vision Point and NIS Vision Point. I welcome you all, आपका सबका स्वागत है इस वीडियो में. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ खास बात. उससे पहले हो जाए थोड़ा इंट्रोडक्शन. मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर केपी मैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 6. तो लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है और हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है आपका मॉड्यूल 1 का. हम लोग 1 by 1 जो NIS का सिलेबस है उसका डेडिकेटेड स्लॉट का वीडियो आपके पास ला रहे हैं हर सब्जेक्ट का. तो अभी हम आपके साथ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक को स्टार्ट किया. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके इससे पहले के जो 5 वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा सो दैट आपको आज का वीडियो और अच्छे और बेहतर तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए और केमिस्ट्री का जो फोबिया है वो दूर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. तो आज हम जो बात करेंगे, आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो आप हमारे साथ लगभग आधे घंटे रहोगे उसमें आप क्या सीखने वाले हो, तो हम लोग कवर करेंगे आज परसेंटेज कंपोजिशन की. परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैसे हम निकालते हैं और इसका यूज़ क्या है. ठीक है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में हमने बात की थी और इसका डिस्कशन किया था. ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं. पर यस, बिफोर मूविंग टू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये हमने पिछले टर्न पे सीखा है. तो हम अपने आप को भी चेक करते हैं कि क्या हमने कुछ सीखा या हमें आ रहा है या अभी भी कोई समस्या आ रही है. तो जल्दी से उस वीडियो को जरूर देखिएगा. तो बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है आपके पास. आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपके पास कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, आपको इसका निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड करते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि है क्या. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो में आपका जो एटम प्रेजेंट है. ठीक है, किसी भी एटम के बारे में किसी भी कंपाउंड जो है उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो का आपको इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो बना हुआ है, वो किन किन एटम से मिलके बना है और उनके रेशियो यानी होल नंबर में प्रेजेंस क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, मैथ्स से रिलेटेड है. मतलब सिंपलेस्ट रेशियो आपने देखा होगा, जैसे हम लोग मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/10 तो कहा जाता था ना कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो. क्या करते थे आप, काटते थे और तब तक काटते थे जब तक उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या 1 ना बचता. तो इसको अगर आप 2 की टेबल से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2/5. क्या इसके बाद और ये कट सकता है ना, तो यही आपका क्या कहलाता था, सिंपलेस्ट. सेम चीज़ आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है और इसको फाइंड आउट करना है. तो चलिए आप लोग भी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट भी करते चलिए और अगर आपको आ रहा है तो आप इसे खुद भी सॉल्व कीजिए. तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो क्या है आपका, ये क्या है, 2:2 हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन 2:2. तो इसको आप कट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा. बिंगो, बन क्या गया आपका जो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो मैं इसको लिख देती हूँ एम्पेरिकल और ये फॉर्मूला EMF. ठीक है, EMF फिजिक्स में मत चले जाना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा. ठीक है, अब मूव करते हैं इस वाले पे. ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रेशियो मैं उस फॉर्म में लिख रही हूँ और यहाँ पे हम जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 6:12. क्या ये कटेगा, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो इसका आप बना सकते हो, तो यस आप बना सकते हो और वो क्या आ जाएगा, 6:1 जा और 6:2 जा. तो आपके पास यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी CH2. क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा इसके केस में. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये लिथियम कार्बोनेट है.
ठीक है। तो लिथियम यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है, 2 है, कार्बन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो 3 है। तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो इसका, और आप बना सकते हो कि ये सिंपलेस्ट रेशियो में है। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, इसको हम कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, एज इट इज सेम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एल आई 2 और ये सी ओ का 3 हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑन दैट नोट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या है, 2:4:2 के रेशियो में। क्या इस रेशियो को और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो यस यू कैन डू। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी है हमारे पास, एच है और ओ है, रेशियो काटो, 2:1:2:2:1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, CH2O। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, और इसी को आपने क्या कहा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहा। अब S8, ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्या है S8, 8 का मतलब क्या है, यहाँ पे सल्फर आपका 8 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, ये किससे मिलकर बना है, सल्फर एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात करते हैं H2O, H2O में जो रेशियो है वो क्या है, क्या ये कट सकता है, ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O हो जाएगा। वेरी गुड, आई होप आप सब इसे कर पा रहे होगे। ये नेक्स्ट क्या है, डाइबोरेन क्या हो गया, B2S6, 2:1:2:3 कट गया, क्या हो जाएगा, B और H का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, BH3, इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ओजोन है, ठीक है, ऑक्सीजन O3, यानी क्या हो गया, ओजोन किससे बना है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा इसका, O हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं S3O9, तो क्या इसको आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, तो यस यू कैन डू। क्या हो जाएगा ये, 3:1:3 और 3:3:9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, S और O क्या हो जाएगा, 3, ये आपका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका N2O3, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या ये कट रहा है, नहीं, तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, N2O3। तो दिस इज इट कि आप कैसे भी, अगर आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसको आप आसानी से नेल्ड आउट कर सकते हो वंस यू नो द कॉन्सेप्ट। तो सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, और इसी के थ्रू जो आपको फॉर्मूला मिलता है उसी को आपने क्या कहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के नाम से जाना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखते हैं कि हमें आज जो पढ़ना था, जिसको मैंने कहा आपको समझना है, वो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन एक ऐसा चीज है जो हम ना बचपन से कह रहे हैं कि मैथ्स जब आप पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो परसेंटेज निकालना तो हम लोग सीख ही जाते हैं। ठीक है, क्यों सीख जाते हैं पता है, कि हमारे लाइफ में क्या है, एग्ज़ाम हम लोग बहुत देते हैं ना, तो हम नहीं, हमें ना आए पर हमारे पेरेंट्स हमें ज़रूर कह देते हैं कि चलिए परसेंटेज निकालो, अपना बताओ कितना आया है, अच्छा पिछली बार तो इतना आया था, अभी इतना हो गया, हाँ कैसे हुआ। तो परसेंटेज निकालना तो आपको आता होगा, तो सेम यही चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो अपनी केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करोगे, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हो ऑन द नोट ऑफ दिस, कि आपको कंपाउंड में जो आपका एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन आना निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या निकालते हैं वो समझते हैं। तो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द मास परसेंटेज, क्या निकालते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पे, मास परसेंटेज निकालते हैं ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि कंपाउंड में जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है वो बाय मास कितना परसेंटेज में वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन आप किससे निकालते हो, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो क्या बताता है, इट टेल्स द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसमें कितने परसेंटेज बाय मास में आपका एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई दे सकता है तो वो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो कैसे निकालोगे परसेंटेज कंपोजिशन, तो बच्चे जैसे कि आपको पता है परसेंटेज निकालने का जो बेसिक फंडा और लॉजिक क्या होता है, कि आप डिवाइड और इनटू 100, यही काम करते हो। ठीक है, अब नीचे क्या होता है, नीचे का हम लिखते हैं कि हमारा टोटल क्या है, टोटल मार्क्स हो सकता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका आता है। अब यहाँ पे कंपाउंड का क्या चीज़ टोटल हो जाएगा,
ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे मॉलिकुलर मास निकाल रहे हैं, तो मॉलिकुलर मास हमारा टोटल मास हो जाएगा, या फिर अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला का अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसका एम्पेरिकल मास जो होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और टोटल और अपॉन क्या करते हैं हम लोग ऑब्टेंड मार्क्स, हम लोग ऐसे ही तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका 100 का पेपर है तो उसमें आपका कितना नंबर आया वो इंटू 100 कर देते थे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे परसेंटेज आपका मिल जाता था। सेम कहानी यहाँ पे, पर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड कैसे निकालोगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिकुलर फॉर्मूला या फिर इन वन एम्पेरिकल फॉर्मूला अपॉन टोटल मॉलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन टोटल मॉलिकुलर मास इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। या फिर हम इसी को ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या होगा, तो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेनोइक एसिड, और ये जो है ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड एक फैमिली होती है, एक फंक्शन फैमिली होती है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ब्यूटेनोइक एसिड अगर बोला तो इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ब्यूट का मतलब होता है चार, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर ब्यूट आ रहा है, ब्यूटेन आ गया, या फिर ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूट वर्ड जब आता है तो इसका मतलब होता है चार। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, चार कार्बन, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नोइक एसिड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे OH यानी ये वाला ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है कि कार्बन का जो बॉन्ड करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, चार। कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो कार्बन क्या होगा, चार बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम सेटिस्फाई करवा देंगे किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH का 3, और ये क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे भी ये CH2, और ये तो सेटिस्फाई है COOH, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, क्यों फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए बच्चे क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। अभी मोलर मास जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जब आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप उसका मोलर मास निकालोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि आपके एग्जाम में ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड इस तरह के नाम से आता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, कितने कार्बन है, चार कार्बन एटम है, तो क्या क्या, 4 × 12, एक का वेट क्या होता है 12 ग्राम, तो 4 कार्बन एटम है तो 4 × क्या हो गया 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका हाइड्रोजन, 8 × 1 ग्राम क्या है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 4 आपके क्या है कार्बन एटम है, हाइड्रोजन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो आपके पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 आपके ऑक्सीजन है, 8 आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, और 4 इसमें क्या है कार्बन एटम है। तो आपको ये जब पता है तो मॉलिकुलर मास निकालना तो चुटकियों का काम है, तो क्या करना है आपको, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, और जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास जो मोलर मास आएगा वो क्या होगा, 88 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिकुलर मास होता तो आपका क्या होता, यूनिट ग्राम होता, पर क्योंकि यहाँ पे मोलर मास लिखा है तो ग्राम पर मोल की बात की जा रही है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज अगर आपको निकालना है, किसका परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, तो आपको परसेंटेज जो निकालना है यहाँ पे, जो आपको परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, दैट इज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालना है कि बाय मास वो कितना प्रेजेंट है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन का प्रेजेंस कितना है, कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो 4 × 12 जा कितना होगा 48, तो ये क्या लिखा है 48। टोटल कितना मोलर मास था इसका, 88 था, ठीक है, और यूनिट अगर इसमें ग्राम पर मोल होगा तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इंटू 100 करोगे तो जो आपके पास परसेंटेज आएगा, जो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 54.5%, कितना आ जाएगा 54.5% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या, कार्बन का, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ये नहीं कर दोगे कि हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आप देखोगे कि मॉलिकुलर मास में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है बाय मास, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला में देखना है, तो ये क्या है 8 × 1 यानी 8, तो इसीलिए ये 8 upon total 88 × 100 करोगे तो आपका परसेंटेज जो आएगा वो क्या आएगा, 9.1% यहाँ पे आप निकाल लोगे, ठीक है। बच्चा आपने क्या निकाल लिया, कार्बन निकाल लिया,
हाइड्रोजन निकाल लिया, बचा क्या आपके पास? ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो कि आपको दो के पता चल गए तो तीसरा क्या कर दोगे, 100 में से माइनस कर दोगे। ऑब्वियसली बात है, आपके पास जो भी चीज़ें परसेंटेज जो कैलकुलेट होता है वो कितने में होता है, 100% में होता है, ठीक है। 100% में है तो अगर आपके पास यहाँ पे तीन एलिमेंट था, ठीक है, तीन एलिमेंट था आपके पास, एक था आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था, ठीक है। तो आपने कार्बन का और हाइड्रोजन निकाल लिया, कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लिया तो 100 में से माइनस कर दोगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। और अगर कैलकुलेट करते हो तो देख लो कि ऑक्सीजन कितने उसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या है, 32, तो 32/88 और ये आ जाएगा 36.4%। अदरवाइज 100 में से माइनस करोगे तब भी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, 36.4% ही आएगा। तो इसमें क्या कि आपने 100 में से माइनस कर दिया, किसका, इन दोनों का परसेंटेज 100 में से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपसे निकालने के लिए कहता है तो आप आसानी से उस मॉलिकुलर फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एटम प्रेजेंट है, उसका मास का आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरह, जो भी वो भी आपका क्या है, इसी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसी पे बेस्ड है कि कैसे आप इसको, क्वेश्चन जब आता है तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफिक बोल दिया है कि आपसे ये नहीं कहा कि हर एलिमेंट का निकालो। यहाँ पे क्या कह दिया है बच्चे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में हमें लगता है हमें आता है ये चीज़, और जो पूछा नहीं उसके अलावा सारा चीज़ निकाल देते हैं और टाइम आपका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें कि इसमें क्या कह रहा है, मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, ठीक है, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कह दिया और यहाँ पे क्वेश्चन को बंद कर दिया होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया है, तो आपको ऐसे भी करके दिया जा सकता है, या फिर ब्लू विट्रियोल लिख के आ जाएगा, ठीक है, व्हाइट विट्रियोल लिख के आ जाएगा। तो बच्चे थोड़ा सा क्लिक करना है, क्योंकि ये सब कंपाउंड के नाम लिख के आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका यूज़ होता है वॉशिंग पर्पज़ में, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Na2CO3.10H2O, यानी 10 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो 10H2O लिखा है इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगेन अगर आपसे परसेंटेज पूछ लिया है तो पहले क्या निकालना होगा, पहले टोटल चीज निकालनी होगी, ठीक है। तो टोटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको निकालना होगा यहाँ पे मॉलिकुलर मास। तो आपके पास है फॉर्मूला और निकालिए इसका मास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या है, सबसे पहले इसको तोड़ के लिख लेना है, गलती बहुत ही कम होगी, ठीक है। अगर आप बहुत क्विक हो, बहुत अच्छी आप कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ऑन द सेफर नोट, सेफ नोट अगर आपको खेलना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी चीज़ अगर गड़बड़ हो गई ना बच्चे तो पूरा कैलकुलेशन बेकार, पूरा ऐसे काटने में बहुत दर्द होता है, मतलब थोड़ी सी भी गलती होगी। तो ध्यान क्या देना है, आराम से इसको समझना क्या है कि Na2 लिखा है, तो यानी यहाँ पे क्या है, 2 Na, सोडियम 2 है, ठीक है। कार्बन कितना है आपका, 1 आपका यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है, इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका क्या है, यहाँ पे 3 आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। डॉट है तो इसको हमने प्लस किया 10, और यहाँ पे क्या है आपका H2O, तो H2O का जो वेट है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2, कितने हो जाएंगे आपका 16, 17, 18। तो यहाँ पे तो आपने क्या लिख देना है, वाटर का जो मास आना है वो क्या आना है, 18 आ रहा है, अपने आप लिख दोगे, ठीक है, आसानी से। अब करना क्या है, यही वैल्यू आपको सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। सोडियम का क्या होता है मास, अब मास पता होना चाहिए, क्या है सोडियम, 2 × क्या करोगे, 23, ठीक है। कार्बन क्या है, 12, तो 12 ही आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, 3 × क्या हो जाएगा, 16, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 180 आ गया, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखिए 23, 12, 16 × 3, और ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46 प्लस 12, और ये आ जाएगा आपका 48 प्लस 180, ठीक है, इतना आ गया। आपको ऐड करोगे आप तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 286 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम मोलर मास को देख रहे हैं तो हमने ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब ये तुमने लिखा है ना, जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैलकुलेशन आपसे क्या कह रहा है कि वाटर का परसेंटेज निकालना है ना बाई मास, यही तो कहा था, वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो देखो फॉर्मूला में वाटर वाला क्वांटिटी क्या था, यही था आपका वाटर वाला, ठीक है,
इसकी देखो वैल्यू फाइनल कितनी आ रही है, 180 आ रही है। तो आपको अब निकालना है कि आपका वाटर का परसेंटेज क्या है आपके वॉशिंग सोडा में, ठीक है। तो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 286 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा कंटेन इतना ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें दिख ही रहा है कि ये आपका इतना जो है ये मॉलिकुलर मास जो आ रहा है उसमें 180 क्या है, उसका वाटर का मास है। अब इसी का आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 180 वाटर का अपॉन टोटल 286 इंटू आपने क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 62.9, क्योंकि हम इसको ग्राम में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमसे ग्राम में पूछा है तो हम इसको बताएंगे। तो जो परसेंटेज है वो आपका क्या है, 69. इतना परसेंटेज अगर हम ग्राम में कह रहे हैं तो ये क्या है, इतने ग्राम ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट है अगर आप टोटल से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 62.9% वाटर जो है वो बाई मास प्रेजेंट है किसमें, आपके वॉशिंग सोडा में। तो दिस इज हाउ कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डील करते हो, ठीक है। तो अब मूव करते हैं, आई होप आपको ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन जो है आपको वो बूस्टअप करता है कि आपने जो सीखा है वो कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल मास जो होता है और परसेंटेज कंपोजिशन होता है, इसको हम ना आपस में रिलेट करते हैं और चीज़ों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना आता है तो आप मास, कितने मास में आपका प्रेजेंट है कोई भी एटम किसी भी कंपाउंड में, वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बट व्हाट इफ आपके पास परसेंटेज पता है तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जब आपके पास परसेंटेज दिया है और उससे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मॉलिकुलर मास का भी रास्ता क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी जो ये क्वेश्चन है ये क्या आपको समझा रहा है, ये आपको यही समझा रहा है कि अगर आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के बारे में, उसके एटम्स की परसेंटेज आपको दी गई है पहले से, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, ये आपको आना चाहिए। और जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो तो मॉलिकुलर फॉर्मूला भी अपने आप, यानी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक हायरार्की बन गई कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो आप उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आ गया निकालना तो उससे मॉलिकुलर मास आप आसानी से कैलकुलेट और निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी को सीखते हैं और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बारे में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो क्या है कि उसमें हाइड्रोजन जो है वो इतना परसेंटेज यानी 4.07% प्रेजेंट है, क्लोरीन जो है वो 71.65% में प्रेजेंट है, और बाकी जो चीज़ बची है वो है कार्बन। तो अगेन अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या देखना है कि आपके पास अगर दो चीज़ का परसेंटेज दिया है और तीसरा पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 में से उसको माइनस कर दोगे। तो ये नहीं कहना है कि मैम मुझे कार्बन का परसेंटेज पता नहीं, तो इसको ही हमने क्या किया है, एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है सो दैट आप इसको समझ सको। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, अगेन दोनों के बीच का रिलेशन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन आप आसानी से इसको नेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एलिमेंट, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, हमें दिया गया है हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन, ये तीन एलिमेंट दिए हैं, उनके एटम प्रेजेंट, इनका कंपोजिशन कितना है वो आपको पता है, यहाँ पे जो दिया है उसी इन्फॉर्मेशन को हमने रखा है 4.07 71.65, और यहाँ पे कार्बन जो है इन दोनों को 100 में से माइनस करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 24.28, ठीक है। तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। अब क्या काम का बात है जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको क्या करना है, एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या है, एटॉमिक मास, अरे ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या है नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कह दिया जाता है, आपके पास वेट है तो आपके पास अगर एटॉमिक मास आप जानते हो या फिर मॉलिकुलर मास जानते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसी तरीका का ये चीज है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये एटम है तो इसका क्या निकालोगे, एटॉमिक मास निकालोगे, मॉलिक्यूल होता है तो क्या उसका मॉलिकुलर मास निकालते हैं। तो आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1, क्लोरीन कितना होता है 35.5, और जो कार्बन है दैट इज 12, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स,
मोल्स आपको निकाल लेना है कि कितने मोल्स हैं। तो कैसे करोगे बच्चे, जो भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है अपॉन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया है अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब मोमेंट आप इसको डिवाइड करते हो 4.07 को 1 से, तो आपके पास जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 4.07। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है। तो आपने क्या देखा कि इसकी प्रेजेंस क्या है, 71.65% है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 35.5, जो कि आपके क्लोरीन एटम का मास होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास रेशियो आ रहा है दैट इज 2.01%। सिंपली अगर आपने ये निकाल ली, तो अब कार्बन के एटम पे आते हैं, तो कार्बन एटम का भी क्या हो जाएगा, 24.28/12, तो ये भी क्या आ रहा है, नियर अबाउट आपका आएगा 2.02। तो ये जो आपका वैल्यू निकला है, ये तो आपका क्या है, रेशियो निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है, तो आपका होल नंबर में आपको फिगर मिलेगा, क्योंकि जो आपका कंपाउंड या मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या है, होल नंबर में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका जो है वो समझना है कि आपको क्या देखना है, जो भी नंबर है, जो रेशियो आपका यहाँ पे आया, जो आपने रेशियो निकाला, उसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट रेशियो है, स्मॉलेस्ट रेशियो से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो रेशियो आपका आया क्या था, ये आया था 4.07। ठीक है, यही आया था, सबसे छोटा जो रेशियो आपको दिख रहा है वो क्या है, 2.01। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट आपका जो राउंड फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसको अगर आप डिवाइड करोगे, तो 2.01 को अगर 2.01 से डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, और ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा आपका 1। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिला, इससे इन्फॉर्मेशन मिला आपको अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इससे आपको पता चला कि जिस भी कंपाउंड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे या परसेंटेज दिया है, उससे आपने इसका एम्पेरिकल मास या एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सके। तो क्या आपने देखा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो आ रहा था वो आ रहा था 2। अगर क्लोरीन एटम की बात करें तो इसका आ रहा था 1, और अगर आप बात कर रहे हो कार्बन तो ये आ रहा है 1। तो इससे जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, यानी सिंपलेस्ट रेशियो, जो भी आपका कंपाउंड बनेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो मिली वो ये मिले कि इसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, यानी कि CH2Cl। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आप आसानी से अब यहाँ पे लिख सकते हो कि यस, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यही आपका आ भी रहा है, क्या आएगा, CH2Cl। तो ये आपका हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो क्या आप उसका मास नहीं निकाल सकते हो? तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसके फॉर्मूला के मास को भी क्या है, आराम से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, तो ये जो एम्पेरिकल मास है आपका, ठीक है, आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आपका एम्पेरिकल मास है, तो ये क्या है, कार्बन 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो निकालो, कार्बन कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन 2 × 1 2, और क्लोरीन क्या हो जाएगा 35.5, और सबको टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा, 49.5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा, दैट विल बी 49.5। अब मैम क्यों निकाला इसे, क्या ज़रूरत है हमें? तो बच्चे हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें आना है मॉलिकुलर फॉर्मूला पर, इसीलिए हमें निकालना पड़ेगा ये। तो मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के बताया था कि अगर आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन है तो उससे आपको क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन आपको पता है। क्यों, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है आपको। क्या पता है कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एन टाइम्स होता है, वो n टाइम्स होता है आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला का। तो इसी को हम यूज़ करके यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे बच्चे बिना किसी रीज़न के कोई भी काम नहीं करते ना, तो यहाँ पे हमने इसमें मास निकालना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास ये मास निकल गया, और हमें क्या पता था, इन्होंने मोलर मास भी दिया हुआ है जो है 98.9। ठीक है, तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे यहाँ पे एक फैक्टर n फैक्टर निकाल सकते हैं, जो होगा आपका मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे बच्चे, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 98
0.96 जो आपके इक्वेशन में यानी क्वेश्चन में आपको दिया है, और इम्पेरिकल मास जो अभी आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 49.5। तो ये नियर अबाउट आपका कितने बार जा रहा है, तो ये वन और ये क्या जा रहा है, टू टाइम्स जा रहा है। तो आंसर आपका एन फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। तो 2 अगर n फैक्टर है तो मैंने वही बताया कि क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर क्या होता है, मोलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, mf आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता ही था, तो इसीलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो n आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपके पास था वो क्या था, CH2Cl था। तो इसी का फॉर्मूला, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, ये C2H का क्या हो जाएगा, 4, और Cl2। तो ये आपका जो बना, ये आपका बन गया यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, क्या बन गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो वही यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा, C2H4Cl2। तो एट लास्ट आपने क्या है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डेराइव कर लिया विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आपको रहता है तो आपको सॉल्व इस तरह से करना है और उस चार्ट को फॉलो करना है कि अगर हमें परसेंटेज दिया है तो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये है, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये है कि जो आपका वेपर डेंसिटी होता है उसके बीच का रिलेशन, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल सकता है। वो ये है कि 2 times वेपर डेंसिटी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर वेपर डेंसिटी दी है उसका दुगना, उसका डबल जो होता है वो आपको देता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, या फिर कह सकते हो मॉलिकुलर मास के बारे में आपको बताता है। 2 times वेपर डेंसिटी जो है वो आपको मॉलिकुलर मास के बारे में देता है। तो किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दिया है तो उससे आप इजीली आप क्या कर सकते हो, मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपने सारे जो अभी हमने कंटेंट आपके सामने लाया है जहाँ पे हमने सीखा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसके साथ साथ परसेंटेज कंपोजिशन का आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या रिलेशन होता है उसको हमने जाना है, समझा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर आपके पास स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपके जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर NIOS, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।